इस वीडियो के अंदर सब चल रहे हैं, फिर रहे इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एक चलती फिरती भी चीज बनाने वाले, कोई भी रुकेगा नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले एक चलता फिरता। जी हाँ गाइस, तो टाइटेनियम आर्मी के लिए आज होने वाला है चलता फिरता घर, तो हम में से कोई भी रुक नहीं रहे इस शॉट को लेने के लिए। 10 से ज्यादा सीन सबने ले लिए हैं, तो ये वाला फाइनल किया है, तो इसके अंदर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम फटाफट से चलते फिरते घर के शुरुआत करते हैं। बराबर है, तो लगभग लगभग आधा काम हो चुका है, अब छत बनानी है, पेंट करना और इसे डेकोरेट करना है।
अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब हम आपको देते हैं इसका ग्रैंड टूर, हमारे 5-स्टार ऑन व्हील हाउस का। कोशिश की है तो अंदर का टूर देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लोग ही बता देंगे कितना टाइम लगा इसे बनाने में। रातें भी मिला लो, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये है 5-स्टार ऑन व्हील हाउस, लेट्स गो बेबी। हमने इसके अंदर सीढ़ी नहीं लगाई है बस, क्योंकि अपन लोग हैं देसी। गाइस देखो इसे, और ये 5-स्टार लग्जरी हाउस है तो शूज नॉट अलाउड। सामने की तरफ गणपति बप्पा है और नेम प्लेट है टाइटेनियम आर्मी, यानी कि है हमारा नहीं, टाइटेनियम आर्मी का हाउस है। यहाँ पे आराम से एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी है जिसके अंदर अपन आराम से ठाट से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ घर के अंदर। गाइस अंदर से देखो तो गाइस यार ये है हमारा हाउस। गाइस यार आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर स्पेस है, इतनी सारी जगह है। सोने के लिए हमने बिस्तर लगाए हैं, पीने के लिए यहाँ पर पानी है। यहाँ से जो फील आता है गाइस बाहर नजारे देखने का, एक नंबर। ये हो गया गाइस हमारा कमरा बिल्कुल बंद, और यहाँ पर गर्मी ना हो इसके लिए कूलर है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। ये देखो यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बोर्ड है, इसे चला लो और आराम से सो जाओ। गाइस इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा है, ये देखो ऊपर तक भी छत जो है मेरे को टच नहीं करती है। यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी है, और इसकी एक और कमाल की बात ये है जो कि मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा। जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे तब इसकी बहुत कमाल की चीज मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है, अंदर भी बैठ सकते हैं, अंदर नहीं बैठना हो तो सिंपली इसे इस तरीके से उठाओ और इसे यहाँ पर रखो कुछ इस तरीके से, और फिर एंजॉय। कोई भी किलकिलाट है वो अंदर नहीं आएगी। अब आप इस वीडियो को लाइक करो और मैं इस रूम की, इस घर की सबसे शानदार और खतरनाक चीज आपको दिखाता हूँ। गाइस ये 2-स्टोरी हाउस है, और आपको देखने से पता नहीं चल रहा होगा कि नीचे एक और कंपार्टमेंट है। तो चलो मैं इसे ऑन करता हूँ, मतलब कि ओपन करता हूँ। ये देखो तो यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, और नीचे एक बहुत ही अलग कंपार्टमेंट है जहाँ पे सो भी सकते हैं और फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। आ जाओ बेबी, मैं आपको इसे बंद करके दिखाता हूँ। तो गाइस
यार ये है इसका 5 फ्लोर और ये भी पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है, ना अंदर की आवाज बाहर जाएगी ना बाहर की अंदर आएगी, और इसके अंदर फुल ऑन एंटरटेनमेंट का सारा सिस्टम है। इसके अंदर लाइट है, कूलर है, साउंड सिस्टम है, टीवी है, सब कुछ है, सोने के लिए है, और क्या चाहिए। इस बात पे तो लाइक कर दो। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे बिस्तर है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे और सिस्टम है जो यूपीएस का है वो सारा इसके नीचे है। ये देखो इसके नीचे सारा सिस्टम है, यहाँ पे लाइट्स के लिए बोर्ड है, फोन वगैरह चार्ज करने के लिए, और साथ ही साथ सारी चीजें हैं इसके अंदर। हमने ज्यादा इसलिए नहीं भरा क्योंकि ये 5 स्टार है यार, इसके अंदर फालतू की चीजें डाल के क्या करते, ऐसे ही कितना प्यारा लग रहा है। ओहो कूलर तो चलाना ही पड़ेगा। गाइस ये जो आवाज आ रही है ये भी हल्की सी बस इस इन्वर्टर की आ रही है, बाकी ये पूरा साउंड प्रूफ है। और एक और कमाल की बात गाइस, ये रूम यहाँ से भी खुलता है। जी हाँ गाइस, अगर यहाँ से नहीं आना हो तो ये यहाँ से भी खुल जाता है, लेकिन ये बाहर से खुलता है, और ये सीधा ऊपर जाना हो तो ऊपर चले जाओ। अच्छे से घर टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गाइस यार, इस घर को हमने टू स्टोरी बनाया है और हमने एक छोटी सी गलती कर दी। गलती ये थी कि इसकी हाइट काफी ज्यादा है और हमारा जहाँ पे स्टूडियो है वहाँ पे जो रास्ते हैं वो काफी ज्यादा नैरो है। उसके अंदर काफी सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि गाड़ी को बाहर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये मेन रोड पे चली जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इसे बाहर ले जाना है तो हमें कुछ पेड़ों के कुछ डालों को काटना होगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इस गाड़ी को काट दूंगा लेकिन पेड़ों की कटाई नहीं करूंगा। तो गाइस यार, चलता फिरता घर बिल्कुल सक्सेसफुल है, बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब